खबर रीवा से है, जहां शादी की खरीदारी करने जा रहे युवक और दो महिलाओं की सड़क दुर्घटना में बीते दिवस मौत हो गई थी। एक शव रविवार की शाम ही परिजनों को मिल गया था, जबकि दो शव पोस्टमार्टम के बाद सुबह सुपुर्द किए गए। सोमवार को गांव में तीन अर्थियां एक साथ उठी थीं। जिसने भी यह घटना को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा गांव शोक की लहर में डूबा रहा। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह रही कि एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा, जिसने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया हो। दरअसल मामला थाना क्षेत्र के कलवारी का है, जहां काकर गांव से जेवर खरीदने जा रहे बाइक सवार नागेन साकेत, उसकी मां शिवकली और पड़ोसी तारा साकेत बाइक से कटरा जा रही थीं। जैसे ही बाइक सवार कलवारी के पास पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही जीप के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना इतनी बीभत्स थी कि बाइक सवार लगभग 30 फीट ऊपर उछला और नीचे गिरने पर उसकी मौत हो गई। यही नहीं, उसके चप्पल एक बड़े से पेड़ शीशम के पेड़ में जाकर अटक गई थी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने प्रशासन से मृतक परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है, लेकिन जिस तरह से कोई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी दुखी परिवार का हालचाल जानने भी नहीं पहुंचा, उससे खासा आक्रोश स्थानीय लोगों में बना हुआ है। का एक्सीडेंट होता जी, तो यहाँ पर शासन प्रशासन लेकर कलेक्टर से एसपी से लेकर पूरा प्रशासन बिल्कुल सही, लेकिन एक गरीब आदमी का एक्सीडेंट हुआ, कोई नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, वाले की गलती थी, इनके साइड में आकर एक्सीडेंट किया। हाँ, सही बात, लेकिन अभी तक कोई शासन प्रशासन यहाँ पर सुध नहीं लिया, ना तो किसी प्रकार की घोषणा किया, ना तो कुछ नहीं, ना तो सहायता दिया। तो आप लोगों की मांग है कि सहयोग होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए साहब। मेरा कहना ये है कि जो ये तीनों लोगों की एक्सीडेंटल से मृत्यु हुई, तो इसमें आईजी डीआईजी एसपी कलेक्टर जितने हैं अपने रीवा डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारियों को यहाँ चेक करने आना चाहिए, स्थिति को देखना चाहिए, घटना स्थल को देखना चाहिए, और इनको जो शासन के द्वारा आर्थिक मदद मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। मेरा कहना बिल्कुल सरकार से मेरी ये अपील।